पॉलिप्स इसमें बहुत होते हैं, मैंने बताया था ना आपको, इसलिए अक्सर इसमें ये बीमारियों इलामतों में लिखा होगा ब्रीथ ब्रीथ थ्रू द नोज। लेकिन अजीब बात है कि पॉलिप्स और ब्रीथ थ्रू द नोज इकट्ठे नहीं जाते, समझे आप, इसलिए ये कंट्राडिक्टरी इलामतें आई हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उसके गले में टॉन्सिल्स बड़े हुए हों तो फिर ब्रीथ थ्रू द नोज होगा, अगर नाक के अंदर वजूद बड़े होंगे तो फिर ब्रीथ थ्रू द नोज नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता। बल्कि ऐसे बच्चे का मुंह खुला होता और कोई गाले भी टपकी होती हैं, इसलिए आंखें बंद करके इलामतों पर नहीं, जो किताबों में लिखी हुई, नहीं जाना चाहिए। किसी एक मरीज को किसी खास बीमारी में देखा गया और उसकी बाज अलामत नोट करके डॉक्टरों ने दर्ज कर दी और बाद दूसरे इलामतों में वो इलामतें बदल जाती हैं, इसलिए ये जो सती इलामतें हैं इनके ऊपर आप तशखीस नहीं कर सकते। नाक में भी पुरानी कटार वगैरह जो है उसमें आमतौर पर यह काम आता है। इसमें जो लॉन्गिंग है कलकेरिया में, वो भी एक इलामत है जिससे कुछ ना कुछ पहचाना जाता है। अंडों की बहुत ख्वाहिश होती है कलकेरिया में, गैर मामूली। लेकिन उसके अलावा बच्चा ऐसी चीजें खाता है जो हजम नहीं होती, और मिट्टी खाएगा या कागज खाएगा, तो ये बताता है कि उसके अंदर कोई ऐसी कमी है जिसकी बेचैनी दूर करने के लिए वो हाथ में आता है।